बद्र के द्वारा का द्वार यहाँ छना ओ छना कन कल हरिद्वारा मेरो ही माला ओ छना कन कल हरिद्वारा मेरो ही माला। मैं अभी बात शुरू करूंगी क्योंकि पिछले सेशन में हमारे सेशन में इंक्लूड किया था तो उनसे मैं भी कुछ ले रही हूँ। उन्होंने चेतना पर अपना पूरा सत्र किया था, मैं उनसे स्वचेतना को ले रही हूँ और अपनी जो बात मैं करूँगी इसके आसपास इसके इर्द गिर्द ही करना चाहूँगी। और शुरुआत मैं करूँगी अनामिका की कविता से। मैं जब भी इस तरह से घर से बाहर निकलती हूँ एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, किसी सेमिनार के लिए, कविता के लिए, आयोजन के लिए, तो मुझे उनकी वो कविता बहुत याद आती है। एक राजकीय स्त्री का पहला प्रशासनिक प्रवास। उस कविता में वो लिखती हैं कि जब वो अपने पहले इस तरह के प्रवास पे पहुंची किसी संगोष्ठी के लिए, तो जब वो होटल के कमरे में जैसे एंटर करती हैं, लाइट चलाती हैं, तो सबसे पहला काम करती हैं फोन करती हैं, तीन फोन करती हैं, पहला पति को, फिर बेटे को, फिर अपनी माँ को, और तीनों को फोन पर कहती हैं कि तुम मेरे सबसे प्यारे हो, इस दुनिया में तुम ही सबसे प्यारे हो। और फोन रखती हैं तो खुदा कहता है कि मतलब कहा जाता है कि तो झूठ बोल रही, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। इस पर खुदा कहते हैं कि ये सच कह रही है क्योंकि ये औरत है, ये तीनों बातें सच हैं क्योंकि ये स्त्री है। इस पर मैं फिर से आऊंगी बाद में, यहाँ से मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी बात की। आधुनिकता को लेके जो हमारी एक आम समझ बनती है कि आधुनिकता, आधुनिक स्त्री क्या है, तो हम अक्सर ये लोगों को बोलते सुनते हैं, वो कंधे से कंधा मिला के जो चलती है, जो फौज में भी है, जो डॉक्टर भी है, जो इंजीनियर भी है, वो हर फील्ड में है, हर जगह मौजूद है, तो वो आधुनिक स्त्री है। आधुनिकता ने जो स्त्रीवाद को या कहीं स्त्री के लिए जो सबसे बड़ा जो काम किया, बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, जैसे कि शिवा ने कुछ इशारे किए हैं उनकी तरफ, लेकिन बहुत बड़ी चीज जो उसने दी वो स्वचेतना की थी, अपने बारे में अवेयर होने की, अपने बारे में सोचने की कि मैं एक चेतन प्राणी हूँ। ये सोच सकने की जो समझ हमको आधुनिकता ने दी, पूरे स्त्रीवादी आंदोलन को दी, वो उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और यही दरअसल उसका सबसे बड़ा संकट भी बनी बाद में जाकर। जब वो चेतन होती है अपने बारे में स्त्री, आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं घर में, घर के कितने सारे काम होते हैं, शाम को आप पति का इंतजार करते हैं और कि वो आए और आपको महसूस हो कि आप जिंदा हैं, आप चेतन हैं, तारीफ मिलती है, आपने अच्छा खाना पकाया, अच्छी कढ़ाई की, अच्छे से घर सजाया है, संवारा है, मतलब अच्छे से अच्छी स्त्री को, पढ़ी लिखी को आपके, मैं खुद अगर मुझे एक चमकता हुआ बाथरूम मिले तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी उसको देखकर। एक इनबॉर्न उनके अंदर ये पैदा कर दिया जाता है घर की तरफ, एक रुझान उनके अंदर, एक कंडीशनिंग है कि घर और घर की देखभाल उनका एक प्राइमरी कंसर्न है जिससे उनको जुड़ा हुआ होना है। ये चीज और इसकी इसके लिए जो तारीफें उनको मिलती हैं, ये उनके जीवन का ध्येय है। किचन है जिसको उसको जीतना होता है और यहाँ की जंग को जीतकर, डाइनिंग टेबल की जंग जीतकर उसको लगता है कि उसका जीवन सार्थक होता है, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। अमेरिका में 1960 में एक सर्वे के दौरान जो नारीवादी चिंतक है बेटी फ्रीडन, उन्होंने ये पाया कि 90% से ज़्यादा घरेलू स्त्रियां जो हैं वो असंतुष्ट थीं। उन्होंने कई क्लिनिक्स में जाके जो डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत की कि अक्सर जो स्त्रियां आपके पास आती हैं क्या समस्या लेकर आती हैं, तो पता चला कि वो कोई अनाम समस्या है। उनके पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद वो असंतुष्ट है। उनके पास घर है, उनके पास बच्चे हैं, गोल बटोर, उनके पास सब कुछ प्यारा है, लेकिन फिर भी वे असंतुष्ट हैं। तो ये जो बीमारी थी, जो अनाम थी, उस बीमारी तक जब बेटी फ्रीडन पहुंचती है तो वे बहुत सारी चीजें अपने पूरे शोध में वो बताती हैं, जिसमें एक खास बात यही थी कि जो स्वचेतना है, ये उनके अंदर जो असंतोष पैदा करती है कि मैं जी रही हूँ तो मैं किस लिए जी रही हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है। आप ग्रेजुएशन करते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और वापस लौटते हो तो घर की तरफ लौटते हो, अंततः आपको अच्छे राजमा बनाने पर तारीफ ही पानी है, या खूब सजा हुआ बिस्तर लगा हुआ कोई आपके घर में आएगा देखेगा तो यही तारीफ
जो आपकी जिंदगी का प्राप्य होगी कि आप बहुत अच्छे से घर सजा के संवार के रखते हैं, ये चीज अंततः एक असंतोष आपके भीतर भरती है। और फिर जब वो स्त्री छटपटा के बाहर निकलती है तो एक नया संकट पैदा होता है। वो संकट इस रूप में पैदा होता है कि जब वो स्त्री अपने राजकीय प्रवास से बाहर निकलती है तो एक भयानक ग्लानी के साथ वो बाहर निकल रही है। जब फोन करती है तो सबसे पहले अपने बेटे को, फिर पति को, फिर अपनी माँ को, और तीनों को बताती है तुम मेरे जीवन में सबसे प्यारे हो। उसको क्यों सबसे पहले फोन करती हूँ, उन्हें ये बताना है कि तुम मेरे जीवन में सबसे प्रिय हो। ये मैं उस विमर्श को यहाँ अपने भारतीय संदर्भों में जब देखती हूँ तो ये ग्लानी का जो बोध है ये उस स्त्री की समस्या जो आधुनिक भी हो रही है, लेकिन साथ साथ वो इस ग्लानी को और इसके साथ जुड़े हुए और तमाम जो आइडेंटिटी के संकट हैं उनको भी झेल रही है। एक पत्रकार या एक कांस्टेबल ले लीजिए, कांस्टेबल या पत्रकार जब कोई स्त्री है तो आप उससे उम्मीद करना चाहेंगे कि वो अगर एक मैस्कुलिन दुनिया में सर्वाइव करना चाहती है, एक मेल डोमिनेंट स्पेस में अगर उसको सर्वाइव करना है तो वो अपने उन्हीं स्ट्रैंड गुणों के साथ जिनमें उसको पाला पोसा गया है के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो वो अपने जो जिनके साथ जो उसके सहकर्मी हैं या जो जिस जिस फील्ड को उसने चुना है, पत्रकारिता को या जिसकी व्यवसाय को उसने चुना है या वो एक कांस्टेबल है, तो वहाँ उसको उन चीज़ों की वजह से, अपने स्ट्रैंड गुणों की वजह से थोड़ा हीन महसूस करना पड़ता है। फिर आप सोचिए कि अगर वो वहाँ सर्वाइव करने के लिए उन जो मैस्कुलिन गुणों को एक्वायर करती है, जब वो भी जनाना से मर्दाना गुणों को एक्वायर करती है, तब वो जो उसकी आइडेंटिटी का जो एक पेंडुलम रहता है, एक आप स्त्री हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप वो अस्मिता हैं जो एक्चुअली आप नहीं हैं।